बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं सादा चॉकलेट केक बना रही हूँ, बिल्कुल प्लेन है। इसके ऊपर कोई आसिंग वैशिंग नहीं होगी। इसके लिए मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत है, ये एक पूरा कप है और ये एक क्वार्टर कप है। ये एक पूरा कप है और ये सवा कप है, समझो। ये एक पाव वाला कप है और ये जो है ना, ये छोटा वाला कप है। तो ये मैदा है और ये हाफ कप जो है ना, वो कैस्टर शुगर है। आम चीनी जो घर की होती है उसको पीस लिया मैंने। इसके लिए मुझे 1 2 टीस्पून लेवल, ये टीस्पून है, 2 टीस्पून लेवल मैंने कोकोनट पाउडर लिया है और 2 टीस्पून मैंने लेवल, ये कोकोनट पाउडर है और ये कोको पाउडर है, ये मैंने लिया है। 1 टीस्पून मैंने बेकिंग पाउडर लिया है और ये 4 औंस बटर है, ये 100 ग्राम बटर है। 4 औंस, 1 औंस जो होता है ना, वो 25, तकरीबन 25 ग्राम के बराबर होता है। तो ये 4 औंस बटर है, ये 100 ग्राम है। अभी मैं ये, और 3 अंडे हैं, मैं ये 3 अंडे हैं, जर्दी को मैं अलग से डालूंगी और सफ़ेदी जो है ना, उसको एक वाइट को ना मैं अलग से फेंट के डालूंगी, उससे केक का रिजल्ट ज़रा अच्छा आता है। अभी मैं एक स्टेनर में, छलनी में मैं ये मैदा डाल लेती हूँ और ये एक कप है और ये एक एक उसे बिल्कुल छोटा कप है, ये 1/4 कप है ये। और उसके साथ ही मैं ये 1 टीस्पून ये मैं बेकिंग पाउडर डाल के इसको मैं छान लूँगी। ख्याल रहे कि नीचे जो आपका बर्तन है वो बिल्कुल सूखा होना चाहिए, उसको पानी का एक कतरा भी नहीं होना चाहिए, जो अंडे वाले बर्तन हैं। इस पे हमने बेकिंग पाउडर डाला है और सिर्फ मैदा डाला है, इसको हमने मिक्स करके आप एक तरफ रख दें। इसको छानना बहुत ज़रूरी होता है। अभी मैं ये मेरे पास बटर है, ये 4 औंस है और 100 ग्राम है, 4 औंस या 100 ग्राम, और ये आधा कप इसी मेजरमेंट से जिसे मैंने मैदा नापा है उसका जो है ना, ये चीनी है। अगर आपके पास एक बीटर है तो एक बीटर से भी कर सकते हैं। इसको मैं इतना फेंटूंगी, इतना मिक्स करूंगी कि ये क्रीमी हो जाएगा। ज़रा सर्दी है ना, तो ज़रा फ़ौरन जो है ना चीज़ जम जाती है। चीनी आप अपने घर की जो हम रोज़मर्रा की इस्तेमाल करते हैं वो पीस लें और उसकी बोतल भर लें। जब भी आपको चाहिए होता है तो उसको इस्तेमाल करें। उसको कैस्टर शुगर कहते हैं। आइसिंग शुगर अलग होती है, ऊपर आइसिंग के लिए होती है और कैस्टर शुगर अलग होती है। अब इसको मैं इतना मिक्स करूँगी, इतना फेंटूँगी कि ये बिल्कुल क्रीमी हो जाएगा। इसको इसमें मैंने हमने अंडे की जर्दी डाल दी है और बहुत अच्छी तरह से मिक्स किया है। ये वो मरहला होता है जिसमें जिसकी अच्छी मिक्सिंग करें तो इतनी अच्छा केक बनेगा। ये थोड़ी सी जर्दी बची थी, ये भी मैं डाल दूं। जितना ये बटर और चीनी का क्रीमी मिक्सचर बनेगा उतने ये केक अच्छा बनेगा। अब इसमें मैं एग वाइट को मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है, अच्छी तरह से ये झाग वाला बन गया है। अभी मैं ये मिला के इसको मिक्स करती हूँ। अभी वो अंडे की सफ़ेदी मैंने डाल के अच्छी तरह से मिक्स किया है। अब थोड़ा थोड़ा मैदा डाल के मिक्स करते जाएंगे। ये मेरी बहुत पुरानी रेसिपी है, ये 1988 की है जब मैंने शुरू शुरू में बेकिंग सीखी थी। मैं इसको फोल्ड करूंगी इसको। अब ये केक की फरमाइश जो है ना, ये मेरे यूट्यूब पे समी जवाद ने फरमाइश की थी और इसने हादिया नूर ने, मैं उनके लिए बना रही हूँ। हादिया नूर ने बहुत सारे केक्स की फरमाइश की है और एक दूसरी अफगानी रेसिपी है मंटो,
मैं इंशाल्लाह वो भी किसी दिन बनाऊंगी, लेकिन ज़रा लेंथी रेसिपीज होती हैं, उसके लिए टाइम चाहिए होता है। अब इसको मैंने अच्छी तरह मिक्स की कर लिया है। अब ये कोको पाउडर, ये है 2 टीस्पून है, और 2 टीस्पून ही कोकोनट पाउडर है। ये बहुत अच्छी तरह मिक्स हो गया है। मैंने ओवन को 10 मिनट पहले प्री हीट कर लिया है 250 पे। अब मैं इसको 180 पे करके और 25 मिनट तक इसको मैं बेक करूंगी। साइड की सफाई कर रही हूँ, और इसके नीचे मैंने पहले घी लगा दिए थे, घी या तेल, आप इसको ग्रीस भी कर सकते हैं, ग्रीस कर लें, और फिर आप बटर पेपर भी रख सकते हैं, बटर पेपर को भी ग्रीस करना होता है। अब इसको थोड़ा सा दो दफ़ा थोड़ा सा ऐसे करना है ताकि इसकी एयर निकल जाए। अभी मैं इसको ओवन में रखने जा रही हूँ। अभी ओवन को पहले से मैंने प्री हीट कर दिया था 250 पे, अभी इसको मैंने 180 पे कर दिया है। अब ये मैंने रख रही हूँ। हमेशा ओवन में नीचे केक बनाने के लिए निचला हिस्सा जो है ना, निचला बर्नर जो है ना, उसको ऑन किया करें, दो तरफ से ऑन नहीं करें, वरना ऊपर से सारा केक जल जाएगा। अब इसको मैंने 180 पे कर दिया है ये 25 मिनट के लिए, और बीच में से आप जब आपको हल्की सी खुशबू आने लगे तो फिर इसको चेक कर लें टूथपिक से, कांटे से या छुरी से नहीं करें, टूथपिक से इसको आप चेक कर लें, ठीक है। जब ये तैयार हो जाएगा तो फिर हम आपको दिखाएंगे। बिल्कुल ये मतलब सादा चॉकलेट केक है ये। उसके बाद से देखें, मैं मेरे पास तो इतनी वैरायटी है, मतलब 40 साल पहले की, 42 साल पहले की, 42 इयर्स पहले की, और अभी मैंने मतलब ये दुबई से मैंने बेकिंग सीखी है, लेकिन मैंने फिर की नहीं थी। अभी मैं आउट ऑफ प्रैक्टिस हूँ, इसलिए मैं अभी बस थोड़ा सा अभी अपनी मैंने अपनी बुक्स निकाली हुई हैं, तो उसमें से मैं देखूँगी, मुझे जैसे टाइम मिलेगा तो मैं ज़रूर करूँगी, ठीक है जी। अभी ये केक तैयार हो गया है, अब मैं इसको निकालने जा रही हूँ। इसको मैंने मेरे घर के टाइम के मुताबिक 12:24 पे रखा था, और अभी 1:05 हो रहा है, तो आप ये टाइम नोट कर लें कि कुल कितने मिनट हुए। 12:24 पे मैंने रखा था और अभी 1:05 हुआ है। आप अपने ओवन के टेम्परेचर को देख के आप अपना, जब 20 मिनट हो जाए तो केक को टूथपिक डाल के चेक करें, और फिर अगर टाइम है तो रखें, वरना तो निकाल लें 20-25 मिनट बाद। हर ओवन का अपना टेम्परेचर होता है, ठीक है जी। मेरा बस ये तैयार हो गया है, अभी मैं इसको निकाल रही हूँ। अब ये चॉकलेट केक बन गया है, मैंने इसको यहाँ पे देखे आपके सामने कट किया है। अभी थोड़ा सा गर्म है, और आप ज़रूर बनाएं। और ये मैंने हादिया नूर और समीर जवाद के फरमाइश पे बनाया है, अल्लाह करे उनको पसंद आ जाए तो मुझे बहुत खुशी होगी, ठीक है। आप भी ट्राई करें, और मेरे चैनल जाके केपीके कुकिंग एंड व्लॉग को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और फिर अगर आपको और कोई केक आपको जैसे पसंद है, मुझे ज़रूर मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करें और बताएं, तो मैं आपको बाकी केक बिस्किट, हर तरह के मैं केक बिस्किट ये बना सकती हूँ, मैं बनाऊँगी। अभी मैं सिर्फ क्योंकि मैंने नए नए चैनल शुरू किया था, तो इसलिए मेरी सॉल्टी डिशेज बना रही थी। अभी इंशाल्लाह मैं बेकिंग की तरफ आ रही हूँ। आप ज़रूर बनाएं और कमेंट्स करें, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें जी। अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।